अभी मौजूद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के होली फैमिली हॉस्पिटल में। यहाँ पर कुछ बातचीत छिड़ गई है। ये जानते हैं कि इनका ये जो लोग हमारे पीछे आप लोग दिख रहे हैं कि पेशेंट्स हैं और इनका एक पेशेंट अंदर है, फीमेल है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बात हुई है, पेशेंट को क्या तकलीफ हुई है। जी नमस्कार, आपका नाम? ममता। जी ममता, हमें बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ है होली फैमिली हॉस्पिटल में। आपका जो पेशेंट है वो किस हालत में है और क्या क्या कुछ हुआ था उसको? वो हमारे पेशेंट बिल्कुल चलती फिरती आई है यहाँ पर पता नहीं है, रसौली के ऑपरेशन में इतना उसको बिगाड़ दिए हैं जो अभी वो ICU में मतलब भर्ती हुई है। हमें नहीं, वेंटिलेटर पर है हमारे मरीज, लेकिन कुछ नहीं बता रहे हैं जहाँ क्या है क्या नहीं है। बस 10 मिनट 5 मिनट दे रहे टाइम, इतना ही देते हैं देखने के लिए। वो भी बाहर से, उनके पास जाने के कोई वो नहीं है। बात उन्होंने एक प्रेशन करा, जब उनका गलत हो गया, जब लैटरिन इनकी साइड में निकल गया इस तरफ, जब उनको दूसरी से सिटी स्कैन करा, फिर सिटी स्कैन करने के बाद उन्होंने फिर प्रेशन कर डाला उसी चीज का, फिर उसके बाद फिर ICU में चली गई, जब बेहोशी में इसे प्रेशन कर डाला उन्होंने, ऐसा ऐसा करा उन्होंने। क्या नाम है पेशेंट का और कहाँ की है? सपना है। सपना देवी नाम है, हमारी पड़ोसन है फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद जी। अच्छा। तो हम उनको यहाँ 15 दिन पहले लेके आए थे, वो बिल्कुल चलती फिरती बाइक पे बैठ के आई थी। उनका यहाँ मतलब टेस्ट वगैरह कराया तो उनकी यूट्रस में दिक्कत थी, तो वो यूट्रस बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होना था। अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन में मतलब ऑपरेशन हो जाएगा, 3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, घर चलेंगे। फिर किसी कारण से 3 दिन में, तो हमने पूछा भाई अब छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है, डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो, तो इन्होंने बोला कि मतलब उसमें ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ गई है, तो उसके मतलब एक ऑपरेशन और, हाँ उसमें ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप ब्लड का बंदोबस्त करो। हमने कितना ब्लड देना बोले, 10-15 यूनिट। तो हम तो एकदम से चौंक भी गए 10-15 यूनिट देने के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने फिर जैसे ही हमने 10-15 लोगों का इंतजाम किया खून देने के लिए, उसके बाद फिर इन्होंने तीसरा ऑपरेशन का बता दिया कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हमें एक ऑपरेशन और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो काफ़ी खतरनाक है, उससे कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला सर हमारे पास पैसे तो है नहीं, बोले कोई बात नहीं, पैसे की आप वो मत करो, अब जो है 4.5 लाख से ऊपर, हमने 4,65,000 रुपये वो हमने जमा करवा दिए हैं आज से 10 दिन पहले, ठीक है। उन्होंने हमारा ऑपरेशन कर दिया, अब हमें पता नहीं मैम ऑपरेशन किया क्या किया है, आज भी ब्लीडिंग बंद नहीं है जो भी है, और हमसे 31 यूनिट खून ले चुके हैं ये, और मांग रहे हैं और भी खून मांग रहे हैं, और आज हम हमारे जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने बोला कि आज हमें मिलवा दो उनसे, मतलब तो क्यों वीडियो कॉल में दिखाते हैं कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है, वो एकदम आंखों पे टेप लगा के पड़ी हुई है। अच्छा। उनकी डेड बॉडी जैसे हम रख देते हैं ना घर पे, आंखों पे टेप लगा के बिल्कुल मुंह बांध के ऐसे पड़ी हुई है, ना कुछ हाथ पैर हिल रहे, ना कुछ बॉडी में कोई हलचल नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। हमने उनको सामने ये जिंदा है पता नहीं है मैडम हम लोगों को, और अब हमने आज बोला तो बोल रहे हैं कि पैसे और जमा करवाओ। हमने मैम भैया बताओ सी ट्रीटमेंट हो भी रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं कहीं दूसरे हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल में करवा दो, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम जब 4,75,000 रुपये हम जमा कर चुके हैं ना, तो हमने बोला था और हमारे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं इतने में हो जाएगा। अब वो दोबारा 3 लाख रुपए की डिमांड करी है फोन करके, वो भी कई बार फोन भी किया, और जब भी हम अंदर जाते हैं तो उनके हस्बैंड को टॉर्चर किया जाता है, भैया पैसे जमा करो पैसे जमा करो, 3 लाख रुपए जमा करवाओ। तो हमने बोला भाई इलाज में हो क्या रहा कुछ बताओ तो सही, इम्प्रूवमेंट है भी या नहीं है, नहीं है तो हम अपना सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं। वो तो हमने वीडियो कॉल में देखा और वैसे भी देखा वहाँ जाके वेंटिलेटर पे, वो जैसे डेड बॉडी होती है ना वैसे डेड बॉडी की तरह लेटी हुई है। अब हमने 31 यूनिट खून भी दे दिया, 4,65,000 रुपये भी दे दिए, अब 3 लाख रुपये की और डिमांड कर रहे हैं। ऐसी मीडिया आप लोग आए तो उन्होंने अंदर जाने के लिए बोला, तो हम लोगों को तो भगा दिया वहाँ से। हमें भी मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी जनता को कि मैं यहाँ पे होली फैमिली हॉस्पिटल आई, गार्ड ने बड़ी बदतमीजी से हम लोगों से बातचीत की है और हम लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया है, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ जी है? मैं, हम अंदर जाते हैं तो बोलते हैं तो पिछले 15 दिन से ये चीज झेल रहे हैं। हम जब पेशेंट को यहाँ पे लाए थे बिल्कुल साधारण ऑपरेशन बताया था, और पेशेंट की अभी इस समय वो क्रिटिकल हालत बना दी है। फर्स्ट टाइम जब ऑपरेशन हुआ था पेशेंट के पेट में से लैटरिन बह रही थी यहाँ से, हम बार बार डॉक्टरों को बताते रहे कि ये कंडीशन है, तो डॉक्टर बोलते ये होता है 3 महीने तक होगा। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन किया, सेकेंड ऑपरेशन में फिर उन्होंने कुछ ना कुछ अंदर छोड़ा, डॉक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया इस चीज को कि कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम हो रही है। हम तीसरी बार ऑपरेशन के लिए लेके गए, उसके बाद हालत एकदम क्रिटिकल बनी हुई, और आपको बता ही चुके हैं कि 31 यूनिट खून हम लोग पहले जमा कर चुके हैं। और आप ये बात कर रहे हैं कि बदतमीजी की, तो रोज हमारे साथ बदतमीजी तो हो ही रही है, हम लोग अड़ोसी पड़ोसी रोज मिल के आते हैं यहाँ पे, लोग हमें देखने नहीं दे रहे, पेशेंट से मिलने नहीं दे रहे। ये सारे पेशेंट के जो है शुभचिंतक है, फैमिली भी है शुभचिंतक भी है, जो कि पेशेंट के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं मेरे साथ। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं, कितने जो है जेंट्स भी मौजूद है, पुरुष भी हैं, तो लेकिन जो है इन लोगों को ना मिलने दिया जा रहा है,
पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, उनके जो है यहाँ पे ये सारे जितने भी है शुभ चिंतक है जी, हमें बताए और बताए। 100 नंबर से पुलिस बुलाई हमने, पुलिस कहती मेरा काम नहीं है कोई भी, और अंदर जाके पुलिस चुपचाप चली गई है। अभी पुलिस वाले आए हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हमें बाहर भगा दिया, कह रहे हम सीएमओ से अपने आप बात करेंगे, अब अंदर ही बैठे हुए हैं, उनका चाय नाश्ता चल रहा है लेकिन पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमने बोला सर कुछ करो, कह रहे हमारा कोई काम नहीं है, जाके लोक कल्याण वहाँ कंप्लेन करो, यहाँ कंप्लेन करो, पुलिस का कोई काम नहीं है। इनके मुंह से पुलिस मिली हुई है, पुलिस का कोई हेल्प नहीं है, बताओ जब हमें जरूरत पड़ेगा हम कहाँ जाएंगे हेल्प करने के? पुलिस सर उन्हें कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस भी इनसे मिली हुई है, ये भाभी देख के आइए, मतलब इनके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रही है, हम लोग आके चुप कराए। हाँ मैं भाभी हूँ सपना की, भाभी है, हाँ मैं भाभी हूँ उनकी, उनकी हालत ऐसी कर दी उन्होंने कि उनके देखने लायक ही नहीं छोड़ा उनको, बहुत खराब, बहुत हालत खराब है, जैसी हालत में वो यहाँ वैसी हालत बिल्कुल भी नहीं है उनकी, हलचल ही नहीं, हलचल है बॉडी में, कोई हलचल नहीं है बिल्कुल, बीमारी उनकी पटारा पड़ी है, कोई हलचल नहीं है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, चलती फिरती हमारा मरीज ठीक ठाक आया था, लेकिन इन लोगों ने 3 बार ऑपरेशन कर करके उसकी हालत खराब कर दी, गलत ऑपरेशन हुआ, बता भी नहीं रहे हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। जी हर बात उन्होंने गलत ऑपरेशन हुआ, तो गलत हुआ तो ठीक भी करके दो, कहते थे छोटा सा ऑपरेशन होगा रसोली का, उसको बड़ा बना दिया। अब ऑपरेशन के बाद करें जी कैंसर, क्या उम्मीद लगती है कि वो ठीक होंगी अभी? नहीं बिल्कुल उम्मीद नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते, देखा ही नहीं है मरीज को तो क्या कह सकते हैं, मिलने भी नहीं दे रहे, नहीं उसे लगा देते हैं, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले है, मिले नहीं है, देखा भी नहीं है, नहीं देखा है, अंदर जाने नहीं देता, बस एक आधा घंटा, अंदर जाने नहीं देते, करे एक 10 दिन हो गए हमें देखा नहीं है, एक जना जाना देता है वो भी जरा सी देर के लिए, बस अंदर नहीं जाने, पहले ऑपरेशन में गड़बड़ कर, चले ओमिक्रॉन का खतरा हम कह सकते हैं कि नहीं मिलने दे रहे, लेकिन इस तरीके के हालात तो नहीं करने चाहिए पेशेंट के, जो शुभ चिंतक है इतने सारे जो बाहर खड़े हुए हैं वेट कर रहे हैं कि उनसे मिलने दे, बॉडी में इन लोगों को कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, जैसे कि ये लोगों ने बताया बहुत ही बेकार हालत हो गई है पेशेंट की। गुजारिश है कि एक बार हॉस्पिटल प्रबंधन से जाके भी आप एक बार इंक्वायरी किए कि हमारे पेशेंट की क्या सिचुएशन है, आप अंदर का भी पूरा हाल एक बार रिकॉर्ड करके दिखाइए, अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर नहीं आने दे रहे, पेशेंट के हस्बैंड अंदर है और ये सारे शुभचिंतक है, उनके आस पड़ोस के लोग हैं जो कि उनके लिए है। जी हमें कुछ बोलना चाहेंगे, आपका नाम? मैम श्याम सुंदर। जी हमें बताए क्या कुछ स्थिति है अभी अंदर की? मैम अभी तो मैंने कॉल करके पूछा, मैंने वो कह रहे कि यहाँ की बहुत कभी मतलब कुछ बता ही नहीं सकते, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ मतलब नहीं सुन रहा, बुला के ले गए, एक बाउंसर ले गया था अंदर, उनसे भी पूछताछ की, वो भी कह रहे कि अभी कोई मतलब, गार्ड इतने बदसलूकी क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? मैम कोई पता ही नहीं, अब क्या मतलब कोई गलत, अगर इनका हाथ कोई गलत नहीं है तो फिर वो तो कहेंगे करेंगे बदसलूकी। अब उसे आप भी फरीदाबाद के? हाँ हाँ जी फरीदाबाद, पड़ोसी हम सारे सारे, हम सारे एक ही सारे पड़ोसी हैं आप लोग, हम गली के इकट्ठा हो गए, गली के इकट्ठा हो गए, हम 35-31 यूनिट अभी तक ब्लड दे चुके हैं। प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रूफ भी नहीं दे रहे, वही तो मांग रहे हैं, पेपर वेपर कुछ। मैम मैं रिसेप्शन पे गया था, मैंने बोला उनके केस की कुछ समरी दे दो हमें कि हम आगे हॉस्पिटल में दिखा के पता कर सकेंगे मतलब क्या है, ठीक हो पाएंगी या नहीं। उन्होंने देखो ऐसे कागज लिख के मुझे दे दिया, कह रहे ये कागज क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बोले ये केस समरी है तुम्हारी, जाओ भगो यहाँ से, ऐसे ये देखो इस कागज पे लाइन खींच के और उन्होंने दे दिया, कह रही है केस समरी है तुम्हारी। देखिए हॉस्पिटलों का ये हाल होगा तो आखिर जो है मरीज कैसे अपने जिंदगी की जो है आस लगाएंगे ऐसे अस्पतालों से? पुलिस वाले भी अंदर है कुछ, बाहर नहीं आने दे रहे उनके हस्बैंड को, वो कह रहे बिल पे करो क्या करो, उनके हस्बैंड को भी नहीं, उनके हस्बैंड अंदर है उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, पेशेंट है ना उनके हस्बैंड अंदर है, उनके हस्बैंड हाँ उनको बाहर नहीं आने दे रहे। हमने बोला भैया उनको भेजो से हमसे मिलवाएं से, पैसे की कोई बात नहीं, पैसे जो तुम्हारे वो जमा करेंगे, कर्जा लेके कर रहा है अभी और कर्जा ले लेगा। कितना दे चुके हैं अब तक? कितना? अब तक 4,65,000 रुपए मैम जमा कर चुके हैं, 3 लाख रुपए की और डिमांड आई है 3-4 दिन से, और फोन भी करके पैसे मांगे हुए हैं, और आपको ना मिलने दे रहे, आपको लग नहीं रहा कि पेशेंट जो है? मैम पेशेंट डेड है, जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि उसकी हलचल नहीं है बॉडी में। मैडम पेशेंट के साथ कोई हादसा होता है ना तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने जानबूझ कर उनको मतलब डेड बॉडी है, जिंदा हमें पता ही नहीं है आज तक, वेंटिलेटर पे, हाँ वेंटिलेटर पे है, और ये भरोसा नहीं है जिंदा है भी नहीं है। चलता फिरता पेशेंट आया था, चलता फिरता बाइक पे बैठ के लेडीज आई थी, उसका पहले वहाँ ECG वगैरह जो भी मतलब टेस्ट हुए यहाँ पे टेस्ट हुए, उसके बाद उसका ऐसी हालत बिगड़ती गई कि आज वो वेंटिलेटर पे और आंखों में पट्टी लगा के वेंटिलेटर पे। जो हालत अभी हुई है जो आप अभी बता रहे करंट वो हॉस्पिटल में हुई? हाँ मैम आज से 15 दिन पहले वो वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ के वापस आई है, उस पेशेंट को आज इन्होंने वेंटिलेटर पर डाल रखा है। अच्छा, यहाँ पर भी बाइक पे आई थी वो, यहाँ पर भी मोटरसाइकिल में बैठ के आई थी, ऐसा नहीं। इन लोगों का कहना है कि पेशेंट जो है अच्छी खासी हालत में आती है बाइक पे बैठकर खुद, और
अभी जो है हॉस्पिटल में उनकी ये हालत है कि वेंटिलेटर पे है, उनका इन लोगों को पता ही नहीं है कि वो अभी जिंदा भी है या नहीं है। उनके जो हस्बैंड को डरा धमका के अंदर बिठा रखा है, उनको ना बाहर आने दिया जा रहा है, ना हम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है इनके कुछ लीक पॉइंट है जो कि सामने ना आ जाए लोगों के। और गार्ड भी है जो इस तरह बने हुए हैं, गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कोई जो है अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ का माहौल जो है बहुत ही नाजुक है, क्योंकि पेशेंट के साथ भी बहुत बदसलूकी हुई है। अच्छी खासी हालत में पेशेंट आके इस तरह जो है होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट है वो, और अमाउंट भी काफ़ी ये लोग जमा कर चुके हैं, इतना यूनिट खून भी दे चुके हैं, और जो हालत है वो हॉस्पिटल में हुई है पेशेंट की खराब। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।